नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बताएंगे। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, तब से नाटो के सारे देश उसके विरोध में हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो रूस के पड़ोसी थे वो भी नाटो का साथ देने लगे हैं। यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने की कतार में है। लिहाजा बौखलाए हुए पुतिन ने इन दोनों देशों से को सबक सिखाने की ठान ली है। इस बात की तस्दीक खुद स्वीडन ने की। देखिए स्पेशल। रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़े हुए है तो दूसरे मोर्चे पर उसके निशाने पर स्वीडन और फिनलैंड भी है। आरोप है कि एक बार फिर से स्वीडन की सीमा में रूसी प्लेन घुस गया। स्वीडन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि रूस का एक जासूसी विमान उसकी हवाई सीमा में दाखिल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये रूस का AN-30 विमान था जो स्वीडन के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। स्वीडन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी विमान बाल्टिक सागर से होता हुआ आया और फिर हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए उसकी सीमा में दाखिल हुआ। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दोनों देशों के साथ रूस की तनातनी बढ़ी हुई है। रूस इन दोनों देशों को चेतावनी दे चुका है कि उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यूक्रेन जैसा हाल स्वीडन का होने वाला है? क्या स्वीडन पर भी रूस हमला करने वाला है? क्या रूस के टारगेट पर स्वीडन और फिनलैंड हैं? दरअसल यूरोप के दो देश स्वीडन और फिनलैंड इस समय खौफ में हैं, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि कहीं रूस उन पर हमला ना बोल दे। हमले की आशंका के पीछे वजह, क्योंकि ये दोनों देश यूक्रेन की तरह नेटो की सदस्यता लेने की तैयारी में है। स्वीडन हवाई क्षेत्र में रूसी विमानों की घुसने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मार्च महीने की शुरुआत में ऐसी घटना हुई थी। आरोप है कि 4 रूसी फाइटर प्लेन ने बाल्टिक सागर के ऊपर स्वीडन एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। दावा यह भी है कि उन 4 फाइटर प्लेन में से 2 तो परमाणु बम से लैस थे। 2 मार्च को वहां उड़ाए गए 4 विमानों में से 2 सुखोई 24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई 27 फाइटर जेट थे जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। स्वीडन के मीडिया का दावा था कि 2 सुखोई 24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, उन दोनों में परमाणु हथियार थे। कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें रूसी सेना के ट्रकों का एक काफिला फिनलैंड सीमा की तरफ बढ़ता दिख रहा था। सड़क पर एक के पीछे एक कई ट्रक लाइन से जाते नजर आए थे। जंग की ये नौबत इसलिए आई क्योंकि रूस फिनलैंड और स्वीडन को लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने नेटो की सदस्यता ली तो अंजाम खतरनाक होंगे, लेकिन दोनों ही देशों ने रूस की इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ऊपर से फिनलैंड ने ऐलान कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हर हाल में लेगा और इसी महीने के आखिरी हफ्ते में इसके लिए आवेदन भी करेगा। यही वजह है कि पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। असल में फिनलैंड रूस की पश्चिमी सीमा पर है और इस वजह से दोनों देशों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। लेकिन अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो नेटो की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी, जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देशों का कुछ महीने से नेटो की तरफ झुकाव देखा गया है। ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा ये किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस को विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया। वही नाटो ने फिनलैंड की मदद से रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। नाटो के 3 युद्ध पोत फिनलैंड पहुंच गए हैं और वहां 2 दिन के युद्धाभ्यास में शामिल हुए। वहीं फिनलैंड ने तकरीबन 2000 सर्वेलेंस ड्रोन खरीदने का फैसला लिया। ये इसलिए भी क्योंकि इसी ड्रोन की मदद से रूस के साथ जब जंग हो तो पुतिन की सेना को सबक सिखाया जाए, यानी हमेशा तटस्थ रहने के स्टैंड के खिलाफ फिनलैंड और स्वीडन ने रूस से दुश्मनी करने की ठान ली है। ये भी तय है अगर जंग छिड़ी तो सीधा टकराव नेटो और रूस के बीच होगा जो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा।
इसलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। दावा ये है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों में बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश ये है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। मतलब ये है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब है और उसकी इस तैयारी का मतलब ये है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है। यानी पुतिन के क्रोध से बचने के लिए फिनलैंड पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि अगर पुतिन की सेना ने यूक्रेन जैसा ही हमला फिनलैंड पर किया तो वैश्विक मोर्चे पर अंजाम बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से रूसी प्लेन स्वीडन की सीमा में दाखिल हुआ वो कुछ और ही संकेत दे रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भले ही रूस के लिए मुश्किलें खड़ी करी, लेकिन रूस भी इन देशों को उनकी भाषा में जवाब देना चाहता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार काला सागर के आसपास सक्रिय है और वो रूस के जंगी जहाजों की हर मूवमेंट पे नजर रखे हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले काला सागर में रूस के जंगी जहाज मस्कवा डुबाने में जो कामयाबी यूक्रेन को मिली थी उसमें भी अमेरिका के इसी खुफिया तंत्र का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब इस खुफिया तंत्र को शिकस्त देने के लिए पुतिन की सेना नए पैंतरे अपना रही है और इसके लिए रूस ने जो तरीका ढूंढा है वो आज आपको हैरान कर देगा। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का पता चल चुका है कि रूस ने अपने नेवल बेस की हिफाजत के लिए काला सागर में डॉल्फिन्स की तैनाती कर दी है। मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करने वाली ये डॉल्फिन्स कैसे रूस के दुश्मनों का रास्ता रोक रही है, इस पर आप हमारी ये अगली रिपोर्ट देखें। यूएसएनआई के द्वारा ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ डॉल्फिन्स को रूस के सेवास्तोपोल हार्बर के पास देखा गया है। सेवास्तोपोल हार्बर क्राइमिया पेनिनसुला के दक्षिणी छोर पर है, जिस पर रूस ने 2004 में कब्जा कर लिया था। यूएसएनआई के सैटेलाइट इमेजरी के एनालिसिस के मुताबिक फरवरी में यूक्रेन पर अटैक की शुरुआत में रूस ने अपने नेवल बेस पर इन डॉल्फिन्स की दो बटालियंस को शिफ्ट किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक ये डॉल्फिन्स इस हार्बर के एंट्री पॉइंट की निगरानी करती है। इस एंट्री पॉइंट से कोई भी जहाज, पनडुब्बी या युद्धपोत रूस में प्रवेश कर सकता है। साथ ही यहाँ रूस की परमाणु पनडुब्बियां और जंगी जहाज हर पल तैनात रहते हैं, जिस वजह से डॉल्फिन्स की तैनाती और भी जरूरी हो जाती है। ये डॉल्फिन समुद्र में मौजूद किसी दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी के साउंड सिग्नल्स की पहचान कर सकती हैं और ऐसा होते ही ये डॉल्फिन्स अपनी हरकतों के जरिए नेवल मिलिट्री कमांड को संदेश भेजने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी साजिश है जिसे रूस इन डॉल्फिन्स के जरिए अंजाम देना चाहता है। डॉल्फिन युद्ध में किस तरह से रूस की मदद कर सकती हैं, ये समझने के लिए इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जलीय जीवों में डॉल्फिन को बहुत समझदार माना जाता है। ये ट्रेंड होने के बाद इंसानों के इशारों को अच्छी तरह से समझ सकती हैं। खास बात यह है कि ये पानी के अंदर दुश्मन टारगेट के साउंड और रेंज को पहचान सकती हैं। रूसी सेना ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से डॉल्फिन की हरकतें सिग्नल में बदल जाती हैं और सेना को दुश्मनों की साजिश का पता चल जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी नौसेना ने सेवास्तोपोल बंदरगाह के एंट्री गेट पर इन डॉल्फिन्स को तैनात किया है। इस पर रूस ने 2004 में कब्जा कर लिया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के अभियानों के लिए डॉल्फिन्स को तैनात किया गया है। रूस के अलावा अमेरिका और यूक्रेन भी डॉल्फिन को प्रशिक्षित करते हैं। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन भी इन मछलियों को ट्रेनिंग देता था। 2012 में यूक्रेन ने डॉल्फिन की ट्रेनिंग के प्रोग्राम को बंद कर दिया। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन की डॉल्फिन भी रूस के हाथ लग गई थी। इस दौरान यूक्रेन ने कई बार अपनी डॉल्फिन्स को वापस मांगा लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई और अब एक बार फिर पुतिन की ये डॉल्फिन वाली जलसेना सुर्खियों में है। यूक्रेन के बोर्दियांका शहर की गिनती यहाँ के सबसे खूबसूरत शहरों में होती थी, लेकिन अब इस शहर में हर तरफ सिर्फ खंडर नजर आता है। लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। बोर्दियांका से दिखाते हैं आपको न्यू सिटी रिपोर्टर जनक देवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। बोर्दियांका की इन इमारतों में जो लोग रहते थे अब वो रहने लायक घर नहीं है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं और जाकर अभी रहना पड़ रहा है मजबूरी में। उनकी मदद के लिए
आज ह्यूमैनिटेरियन हेल्प आई है, उस पर आप घर का सारा सामान कह लीजिए वो सारा का सारा यहाँ पर आए हैं। एक समय ये किसी को मदद करते थे, आज उन्हें मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आप देखिए, ये कैमरामैन पंकज तोमर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हर सारी चीज़ें, घर के किराने में जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, वो लेने के लिए लोगों को आज यहाँ पर कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। देखिए, ये आप इस तरीके से उनको जो मदद दी, वो उसके बाद हर कोई है वो ज़रूरत की सामान है वो लेकर यहाँ से निकलता है। बहुत सारी लंबी कतार ऐसे बनती जाती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या मंजर रहा होगा, क्या स्थिति होगी। मेरे साथ हमारे दोस्त हैं डॉक्टर विजय, उनसे बात करते हैं। सर बताएं, इनसे बात करें, दरअसल क्या था, हुआ था उस दिन, कब का ये वाक्य है, कुछ अगर बता पाएं आप। Вы можете рассказать, что случилось и как это произошло тот день? Как зовут вас, Далия? Меня зовут Дима. Я проживал здесь, в центре. 24 февраля мы с детьми и супругой отъехали чуть дальше в частный сектор. 3 километра расстояния. 2 марта мы приехали сюда за родителями, которые оставались в центре. После этих бомбардировок они просто вышли из дому. Мы за ними на машине приехали и остались там на окраине. Все время были там. कह रहे हैं जब 24 को ये स्टार्ट हुआ था तो हम लोग तो घबरा के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रिश्तेदार के यहाँ जाके रुक गए थे, और उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड को काफ़ी तेज़ शेलिंग हुई थी, फिर उसके बाद हम लोग वापस आए तो हमने ये हाल यहाँ पे देखा था। महायुद्ध का 67वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ भीषण जंग अभी भी जारी है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहता है। अब हम आपको बताते हैं मैप के जरिए कि वो कौन कौन से जगह हैं। मारियोपुल पर रूसी कब्जे के दावे के बीच यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई की गंभीर स्थिति है वो हम आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं। ये इलाके हम आपको बार बार और कई दफा दिखा चुके हैं, और एक बार फिर से बताते हैं कि कौन सा वो इलाका है। ये खेरसौन, जिससे बीते 67 दिनों में अब भलीभांति परिचित है कि ये वो इलाका जिसको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। अब इस खारकीव की हम बात करते हैं। खारकीव को लेकर भी खूब बमबारी की गई, मिसाइलें दागी गई, और इसको भी कंट्रोल में करने की कोशिश इज्यूम, पोपासना, मारियोपोल, डोनेस्क, सेवरोडोनेस्क, रुबीजे, ये जो इलाके हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। बुरी स्थिति इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पे बहुत बम गोले बरसाए जा रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि रूस जैसा ताकतवर मुल्क अगर इस खेरसौन, खारकीव और इन इलाकों पे अगर वो बमबाजी करता है, और बीते 67 दिन में हर दिन हर घंटे करता है, तो यकीनन कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। ये बचा है तो सिर्फ और सिर्फ खंडहर, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की एक के बाद एक निशानियां, और वो बर्बादी बता रही है कि ये युद्ध अभी भी जारी रहेगा, लेकिन अब बम बरसाने का भी बहुत मतलब रहने गया है। तो आज बात आखिरी आक्रमण की हम करते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉल्स ने दावा किया है कि आज से 8वें दिन यानी 9 मई को पुतिन अपने देश से पूरी की पूरी सेना यूक्रेन में उतारने का ऐलान कर सकते हैं। अब तक इस युद्ध में रूस के सिर्फ 2 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के हर गांव, हर शहर पर रूस के 30 लाख सैनिक का कहर टूटेगा। ये दावा पूरी दुनिया को डराने वाला है, क्योंकि अगर ये कयास सच हो गया तो दुनिया एक ऐसे युद्ध की गवाह बनेगी जैसा युद्ध पिछले कई दशकों में किसी ने नहीं देखा, दुनिया ने नहीं देखा, और ये हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी ले जा सकते हैं। को महायुद्ध में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस अपनी पूरी की पूरी सेना इस युद्ध में उतार देगा। रूस के 2 लाख सैनिकों ने अब तक यूक्रेन में जो कहर बरपाया वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर पुतिन यूक्रेन पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने का मन बना लेते हैं तो फिर इस युद्ध में रूस के 30 लाख सैनिक शामिल हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में रूस ने 2 लाख सैनिक उतारे, लेकिन रूस के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास 20 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। इतना ही नहीं, रूस की नौसेना के पास 1.5 लाख नौसैनिक हैं और 350 जंगी जहाज हैं, और रूस की वायुसेना भी करीब 3,500 लड़ाकू विमानों के साथ यूक्रेन में कहर बरपाने के लिए तैयार है।
सैनिकों की संख्या के मामले में रूस के पास दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। यानी अगर रूस अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक देगा तो यूक्रेन का हर शहर, हर गांव और गली मोहल्ला राख में मिल जाएगा। लेकिन पुतिन आखिर ऐसा करेंगे क्यों? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो अपने सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर उतारेगा? और क्या तब ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? दरअसल हर साल 9 मई को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है। 9 मई 1945 को सोवियत संघ की सेनाओं ने नाजी जर्मनी की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था और उसी जीत की याद में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हर साल किया जाता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी दिन पुतिन ये घोषणा कर सकते हैं कि अब वो स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में बदलने जा रहे हैं और इसी के साथ वो इस जंग में रूस की पूरी सेना को उतारने का ऐलान भी कर सकते हैं। ये दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने किया है, जिनके मुताबिक रूसी सेना के अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि ये युद्ध अपने तीसरे महीने में पहुंच चुका है लेकिन जीत अब भी बहुत दूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना के कई जनरल्स को लगता था कि वो 2-3 हफ्तों में निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब रूस के सैन्य अधिकारी पुतिन पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो इसे औपचारिक रूप से युद्ध का दर्जा दे दें, ताकि रूस की पूरी सेना को यूक्रेन पर हमला करने की इजाजत दी जा सके और रूस के 30 लाख सैनिक यूक्रेन को नेस्तो नाबूद कर दें। ऐसा ही दावा नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने किया है और कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये युद्ध पूरी तरह से विश्व युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि अभी तक रूस को इस युद्ध में क्या हासिल हुआ है और नक्शे पर रूसी सेना की ताजा स्थिति क्या है। शुक्रवार को जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर थे, तभी रूस की सेना ने कीव पर 5 मिसाइलें दागी। पूर्वी यूक्रेन के इल्ज्यूम में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ दिया है। डोनेट्स्क में भी यूक्रेनी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद एक बड़े फ्यूल डिपो में आग लग गई है। मारियोपोल से रूस की सेना का एक बड़ा हिस्सा डोनबास की तरफ रवाना हो चुका है। खेरसोन में यूक्रेन की करेंसी को रूस के रूबल से बदलने का ऐलान किया जा चुका है। यानी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस को जीत मिली है तो अभी भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे रूस की सेना को खाली करना पड़ा है। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आधी अधूरी सफलता से रूस की सेना के बड़े अधिकारी नाराज हैं। खासकर जिस तरह से कीव से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा, उससे पूरी की पूरी सेना का मनोबल टूटा हुआ है। इसलिए अब पुतिन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी सेना को यूक्रेन पर पूरे दमखम के साथ कब्जे की इजाजत दे दे। हालांकि इससे पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि पुतिन 9 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं और डोनबास और डोनेट्स्क जैसे इलाकों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रूसी हमलों ने रफ्तार पकड़ी है, उससे ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने बीबीसी रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सबसे खतरनाक स्थिति ये होगी कि पश्चिम को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझना पड़े और अगर पश्चिम इसकी तैयारी करता है तो इससे रूस को रोका जा सकता है, क्योंकि पुतिन को नेटो की शक्ति समझ में आती है। इस बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा है कि ये युद्ध अगले 5-10 वर्षों तक चल सकता है। इन सारे बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले 9-10 दिन यूरोप समेत पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। अगर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पुतिन को रूस में सफलता नहीं मिली तो फिर वो परमाणु बटन भी दबा सकते हैं।
रूस के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमले की दहशत फैल गई है। रूस के इस न्यूज चैनल ने आशंका जताई है कि अगर इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखा तो फिर वो अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये कयास रूस के टीवी चैनल ने लगाए। इस टीवी शो के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा की गई और इसी चर्चा के दौरान इस तरह की आशंका जताई गई कि अगर रूस को लगा कि वो पिछड़ रहा है तो फिर वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। или мы проигрываем на Украине, или начинается третья мировая. Лично я считаю наиболее реалистичным путь третьей. लेकिन परमाणु हमले की चेतावनी सिर्फ रूस की तरफ से नहीं आई है, बल्कि रूस के एक पड़ोसी देश में बैठे तानाशाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो खतरा महसूस होने की स्थिति में पश्चिम के देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन का दोस्त ये तानाशाह कौन है और उसने क्यों दुनिया को परमाणु हमले की चेतावनी दी है, ये आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखकर पता चलेगा। रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग और मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने कल हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन रवाना कर दिया है। अमेरिका के सैन्य विमान से ये हथियार पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचेंगे। इस बार बाइडेन ने हॉवित्ज़र तोपों की एक बड़ी खेप ज़ेलेंस्की को भेजी है। तोपों की खासियत क्या है और कैसे पुतिन की सेना को इनसे मुश्किलें होने वाली है आने वाले वक्त में, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूक्रेन को अमेरिका ने भेजी हथियारों की नई खेप। बाइडेन के घातक हथियार से रूस का मुकाबला। ज़ेलेंस्की को मिली हॉवित्ज़र की मदद। अमेरिका के C-7 मदद यूक्रेन पहुंचा रहा है। Has obviously made this a priority to support Eastern Europe, specifically Ukraine. Multiple presidential directives have come out with certain material that needs to be moved to Ukraine. Howitzer topo ki madad se Ukraine apni zameen bachane ke liye Rusi fauj ke khilaf khada hoga. Howitzer itni khatarnak hai ki lambi duri par baitha dushman bhi is chit ho jata hai. Iski khasiyat aisi hai jise maar paane mein पुतिन की सेना को थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसमें 155 mm लंबे बैरल लगे हैं, जिसकी मदद से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसके साथ ही ये इतनी हल्की है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। हॉवित्ज़र तोपों की एक और खासियत है, अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि हॉवित्ज़र तोपें मिसाइलें गिरा सकती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक हॉवित्ज़र ने जब 155 मिलीमीटर डायमीटर से जब शेल फायर की तो उसने BQM-167 टारगेट जोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार जंग के मैदान में ये हॉवित्ज़र तोपें मिसाइलें गिराती हो ऐसा दिख सकता है। इतनी खूबियों से लैस हॉवित्ज़र तोपों की मदद से पुतिन की सेना को रोकने में यूक्रेन को मदद मिलेगी। बाइडेन ने पुतिन के एक एक प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली है। इसी इरादे से उन्होंने ज़ेलेंस्की को हॉवित्ज़र भेजी है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा, यानी 2,47,000 करोड़ रुपए। इस रकम में से $20 अरब यानी 1,50,000 करोड़ रुपए सैन्य सहायता के लिए और $8.5 अरब यानी करीब 63,750 करोड़ रुपए यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी के $3 अरब यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए दिए जा सकते हैं। Всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них
ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем? В місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, не суттєво відрізняється. Асал ми, Америка з джанг ке шарват се хі є Україн ке сад хада хе. Халанкі во сідхе тор пар то іс юдд ка хисса нахі бана. Лекін хатхіярон ке зар'є мадад дене ме усне кой кор касар нахі чході. Вахі Америка ке іс мадад пар Чин далил де раха хе ке хатхіярон ке кхеп дене се юдд аур бھڑак сакта хе. Сон чан, сон пау. सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन ने रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए अपने 8,000 सैनिक अभ्यास के लिए पूर्व यूरोप इलाके में भेजे हैं, साथ ही में 1,000 सैनिक पोलैंड भेजे हैं। इतना ही नहीं, काला सागर में रूसी युद्ध पोतों को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने का भी फैसला किया है। ब्रिटेन की इस मदद को लेकर रूस पहले ही उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। बावजूद इसके ब्रिटेन पर कोई असर नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि ब्रिटेन काला सागर में रूसी युद्ध पोतों को निशाना बनाने के लिए जल्द ही यूक्रेन को अपनी घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देगा। ब्रिटेन से मिलने वाली इन घातक मिसाइलों को टैंकों का काल माना जाता है। साथ ही ब्रिमस्टोन एक ऐसी मिसाइल है जो समंदर में तैनात युद्ध पोतों को भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साध कर तबाह कर सकती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में अपनी ताकत की नुमाइश पेश कर चुकी हैं। इन मिसाइलों को यूरोप की मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया था, और इन्हें दुश्मन के खिलाफ जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती है। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायु सेनाओं के बेड़े में भी ये मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि जमीनी जंग के लिए ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को ये मिसाइलें दे चुका है, जिनका ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी कर रही है। मतलब अब तक रूसी टैंकों के लिए काल साबित हो रही ये मिसाइलें अब समंदर में भी रूस के लिए मुसीबत साबित हो सकती हैं। मतलब साफ है कि युद्ध का मैदान और भयंकर होने वाला है और ज़ेलेंस्की की ताकत और बढ़ने वाली है। और सीधे में अपनी सहयोगी का रुख करते हैं, शिवानी इस वक्त मेरे साथ है। शिवानी, इस वक्त हम सबको बताएंगी और दर्शकों को बताएंगी कि रूस की सेना कितनी ताकतवर है। शिवानी जी रिमा, 2 महीने से लगातार ये युद्ध जारी है और अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर रूस की सेना कितनी ताकतवर है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि वो सैन्य कार्रवाई रोक दे, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका है और रूसी हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। रूस महाशक्ति है, वहीं यूक्रेन उसके मुकाबले में काफी कमजोर है, लेकिन 2 महीने बाद भी रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है और अब आपको बताते हैं सैन्य ताकत में कौन कितना ताकतवर है। यूक्रेन के पास 11.55 लाख के आसपास की सेना है, वहीं रूस के पास 30 लाख से ज्यादा सैनिक है, जिसमें यूक्रेन के पास 2,55,000 एक्टिव सेना है, वहीं रूस के पास 10 लाख एक्टिव सैनिक हैं। वहीं अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो यूक्रेन के पास केवल 98 लड़ाकू विमान हैं, वहीं 1511 लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास है। फाइटर हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास 34 हैं, वहीं रूस के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और टैंक की अगर बात करें तो 2596 यूक्रेन के पास हैं, वहीं 12,420 टैंक रूस के पास हैं। आर्म्ड व्हीकल में यूक्रेन रूस से बहुत पीछे है, जहां यूक्रेन के पास केवल 12,303 आर्म्ड व्हीकल हैं, वहीं रूस के पास 30,122 व्हीकल हैं। तो ये ताकत है और लगातार कई तरीके के सवाल भी इसको लेकर उठ रहे हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के जो आशियाने तबाह हुए हैं इसके बारे में भी हम आपको इस वक्त बताते हैं। उसमें अब भी जिंदगी के निशान नजर आते हैं और ऐसी ही निशानियों को समेटने के लिए लोग युद्ध के बीच इन आशियाने को लौट रहे हैं। यूक्रेन के बारद्यांका से दिखाते हैं न्यूज 18 के हमारे सहयोगी जनक दवे की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
ये इमारत पूरी तरीके से खंडहर बन चुकी है और लोग हैं जो उनका जो बचा कुचा सामान है वो यहाँ पर से निकाल रहे हैं। एक बुज़ुर्ग वहाँ है जो यहाँ पर है जिन्होंने ये सामान निकाला है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर विजय हमारे साथ हैं, वो हमें उनसे बात कराएंगे। डॉक्टर विजय, पूछिए क्या मंजर था उस दिन का? हमारे दिमाग को थोड़ा सा डिस्टर्ब है, समय कुछ नहीं बता रहे, लेकिन हमको ये पता है कि 15 मिनट पहले हम लोग ये घर छोड़ दिए थे, फिर 20 मिनट बाद आधे घंटे बाद हमारे पास फोन आया था कि आपका घर नहीं बचा। अब तो अब कैसे कहाँ गुजारा करेंगे? इस घर के साथ यादव जुड़ी होगी। दान ने मोमेंट विगदे प्रजिवाय ते काकनु रोस्तुनी का गिदे उ सीना यका उ якого вцілих будинок частний। अरे हमारे बेटे का प्राइवेट सेक्टर में थोड़े दूर जाके वहाँ पे घर है उसका अपना, हम वहाँ पे अभी रह रहे हैं। तो इस घर के साथ उनकी यादें जुड़ी होगी, कैसे देखते पूरा मंजर अब उनके सामने है, टूटा हुआ मकान है। हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारा काफी भावुक हो चुकी हैं, समझते हैं उनकी बात, उनके दर्द से ही समझा जाता है वो नहीं बोलना चाहती अब, चूंकि वो जिस घर में उन्होंने जिंदगी बिताई अपनी, अब स्थिति कमोबेश है कि अब ये घर अब खंडहर बन चुका है और उनके जो परिवार के सदस्य हैं बाकी उनकी बेटी के साथ वो यहाँ पर रहते थे और ये अब जो सामान है वो सामान एक एक करके घर से बाहर निकाल कर कहीं और रहने की अब जो व्यवस्था है वो की जा रही है। यूक्रेन में तबाही जारी है, रूस के सैनिक यूक्रेन के नए नए इलाकों को निशाना बना रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का लिमान इस वक्त रूसी सेना के निशाने पर है। लिमान में गोलीबारी के बाद लगी आग का एक वीडियो सामने आया। वीडियो लिमान के हाउस ऑफ कल्चर का बताया जा रहा है, जहां रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर उसे तबाह कर दिया। तो ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लिमान में रूस की भारी गोलीबारी और गोलीबारी में कई इमारत पूरी तरीके से तबाह। गोलीबारी में हाउस ऑफ कल्चर तबाह हो चुका है पूरी तरीके से और ये आग लगने की खबर तबाही जब भारी गोलीबारी वहां पे सामने आई। लिमान का ये इलाका और लिमान में ही ये घटना हुई है जहां हाउस ऑफ कल्चर तबाह हो चुका है। और एक बार फिर से शिवानी का रुख करते हैं, ताजा हालात युद्ध की क्या बनी हुई है उसके बारे में अपडेट करेंगे। जी रीमा, लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है रूस को, अलग अलग देश उसकी सहायता कर रहे हैं और रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका भले ही यूक्रेन को सैन्य मदद देने से इनकार कर चुका हो लेकिन उसे अमेरिका की तरफ से लगातार हथियारों की मदद मिल रही है और हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस से यूक्रेन के लिए $33 बिलियन देने की मांग की थी और इससे पहले अमेरिका यूक्रेन को पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FMG-148 जावलिन दे चुका है जो जवान अपने कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, ये अंधेरे में भी सटीक निशाना लगा सकती है। और अमेरिका ने यूक्रेन को फिनिक्स घोस्ट ड्रोन दिया है और इस ड्रोन को खास तौर से रूस के लड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक आत्मघाती ड्रोन है जो हमला करने के बाद खुद भी तबाह हो जाता है। अमेरिका ने यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, ये हेलीकॉप्टर अमेरिका ने रूस से ही खरीदे थे जो यूक्रेन की उसके खिलाफ लड़ने में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मजबूत हैमर गाड़ियां, आधुनिक रडार सिस्टम और गश्ती नावें भी दी गई हैं और इसके अलावा अमेरिका ने उसे अपना एयर डिफेंस सिस्टम FIM-92 स्ट्रिंगर भी दिया है। ये एक पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने उसे इंफ्रारेड और हीट सेंसरों से लैस नाइट विजन ग्लासेस भी दिए हैं और साथ ही अमेरिका उसे सैटेलाइट से मिली जानकारियां भी मुहैया करा रहा है जिसकी मदद से वो रूस के खिलाफ मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यूक्रेन रूस से जंग में अमेरिका लगातार उसकी मदद कर रहा है, वो यूक्रेन को अब तक हथियारों की कई खेप पहले ही भेज चुका है और अब उसने जॉर्जिया से अपने कई टैंक यूक्रेन की मदद के लिए रवाना किया है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जंग जारी है और ऐसे में भीषण होती जा रही है जंग क्योंकि 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से लगातार
सही सैन्य सामान भी मुहैया कराए जा रहे हैं। यूक्रेन का और रूस का आक्रामक रवैया देखकर अब दुनिया भी चिंता में है कि आखिर होगा तो क्या होगा। और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, 2 महीने से जंग चल रही है, 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और हर दिन की अपडेट हमने आपको दी है अब तक। और देखिए किस तरीके से ट्रकों के जरिए ये सैन्य सामान भेजा जा रहा है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आ गई है, यूक्रेन ने तबाह किस रूस के बम तबाह कर दिए हैं, रूस के बमों को नष्ट किया गया है यूक्रेन की ओर से। ये देखें किस तरीके से विस्फोट किया गया, क्योंकि रूस ने चप्पे चप्पे पर यूक्रेन के बम लगा रखे थे ताकि इससे भारी नुकसान यूक्रेन की सेना को हो सके, लेकिन तैनात थी क्योंकि यूक्रेन की सेना, तो ऐसे में बमों को नष्ट कर दिया गया है। और ये विस्फोट होता हुआ सीधा काला धुआं आसमान में छाता हुआ आप देख सकते हैं। दरअसल यहां पर बमों को विस्फोट किया गया, उनको नष्ट किया गया है और धरती के भीतर पहले एक गड्ढा बनाया गया यूक्रेन की सेना की ओर से, क्योंकि रूस की सेना की ओर से बम वहां पर बिछाए गए थे ताकि किसी भी तरीके से वो यूक्रेन की सेना को तबाह कर सके, नष्ट कर सके, उनके सैनिकों का खात्मा कर सके। लेकिन क्योंकि यूक्रेन की सेना डटी हुई है और चप्पे चप्पे की का अंदाजा उसको है, तो ऐसे में बमों को नष्ट कर दिया गया है यूक्रेन की सेना की ओर से। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ 1 रुपए में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइबर करें और 1,00,000 रुपए से ज्यादा का ऑफर पाए। गुजरात दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने दी बधाई। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम के साथ की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जनहित वाले प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना मोहाली से गिरफ्तार। अब तक 9 आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील की। उसनों साड़ी टीम ने मोहाली को गिरफ्तार कर लिया। जनरल मनोज पांडे ने संभाली भारतीय सेना की कमान, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बोले भारतीय सेना के सामने कई चुनौतियां, लेकिन हम इससे निपटने को तैयार। कोशिश रहेगी कि उसी को मैं आगे बढ़ाऊं और ये मुझे जो जिम्मेवारी दी है उसमें मैं खरा उतरूंगा।